हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक बोर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट ये पता करना है कि रिलेट कैसे करना है टॉपिक को। जस्ट बोर के सारे पोस्टुलेट्स कर चुके हैं, कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल और देख लेते हैं क्या कहता है। उसके बाद हम एक नई थ्योरी के अंदर एंटर कर जाएंगे। बोर हमारा सिर्फ यही लास्ट टॉपिक था बोर का, ठीक है। उसके बाद हम और ज्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे एक जनरल पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अब बोर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम बात करें क्लासिकली या फिर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकली, दो चीजें हैं आपके पास। अगर आप क्लासिकली बात करते हैं या फिर क्वांटम में बात करते हैं किसी भी एक टॉपिक का डिस्कशन, एक बार अगर आप क्लासिकल मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्वांटम मीन्स की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं ना एक ही टॉपिक के वे मे बी डिफरेंट हो सकते हैं। बट यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम बोर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, और ये क्या कहता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके अबाउट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एनर्जी भी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, रेडियस भी निकालते हैं, वेलोसिटी भी निकालते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हो क्लासिकल मैकेनिकली और क्वांटम, दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके मोस्टली सिमिलर आते हैं। किसके इसके लिए, हायर जो ऑर्बिट्स हैं उनके लिए। ये क्या है, जस्ट स्टेटमेंट है बोर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिराइव करके कि क्या है। दोनों के दोनों रिजल्ट वेल नोन है, आपके पहले पढ़ चुके हो आप। अब बोर के जो सेकंड पोस्टुलेट्स हैं, सॉरी जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो एम वी स्क्वायर बाय आर है वो आपका किसके बराबर होता है, 1/4 πε0 e² / r² अगर यहाँ से मैं r से r काट दूँ तो v किसके बराबर बच गया, m को उस तरफ ले जाऊँ, तो ये बच गया आपका e बटे में √2 के अंदर 4πε0 mr। e का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, 4πε0 आपका कॉन्स्टेंट है, m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r का मतलब क्या है रेडियस है ऑर्बिट की। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ऑर्बिटल स्पीड डिवाइडेड बाय में सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब जो ऑर्बिटल स्पीड है वो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ये लिखी हुई है, वो क्या है आपकी e बाय में 4πε0 रूट के अंदर है ये m बाय में r। और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है ऑर्बिट की, जो ऑर्बिट है आपका क्या है सर्कुलर है, और जो सर्कुलर है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी होती है आपकी 2πr। जस्ट वैल्यू को रीअरेंज करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच गए e बटे में 2π और रूट के अंदर क्या है 4πε0 mr³। अब जैसे ही हमें ये पता है, क्योंकि हम बोर का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करें mvr equals to nh, r की वैल्यू निकल के आएगी nh बटे में mv। ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, और वो क्या है m e की पावर 4 8π² h³। ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू एक फिक्स्ड है, और जो फिक्स्ड वैल्यू है मतलब वैल्यू पुट करके देखेंगे तो फिक्स्ड वैल्यू आएगी, उसको हमने क्या नाम दे दिया e1। अब एक h को इसने रखा है, जो एक h की वैल्यू है वैसे ये भी फिक्स आएगी हमारी, और यहाँ पर क्या है 2 / n³, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को ये छोड़ रहा है, यानी कि 2 / n³, यानी ये जो फॉर्मूला है वो फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है क्लासिकली। या फिर अगर हम बात करें, जब भी आपका हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ा था तो ये आपकी सपोज इनिशियल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, यहाँ पर ये आपकी इनिशियल थी, ये आपकी फाइनल थी, डिपेंड करता है स्पेक्ट्रा कौन सा है। अगर आप इनिशियली अगर आप हाईएस्ट स्टेट में हैं, लोअर स्टेट में आ रहे हैं, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रा है आपका, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ा रखी है वो किसके बराबर होती है म्यू, यहाँ पर हम किसे डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, माइनस के ईवन बटे एच इक्वल्स टू 1 / nh²- n इनिशियल। एन इनिशियली अगर आप हाईएस्ट स्टेट में हो तो उससे कम स्टेट में आ रहे हो नीचे, तो इसीलिए हम जर्नली अगर हम बात करें कि एन आई, सुपोज आपका एन है, हम यहाँ पर नाम नहीं दे रहे हैं 1, 2, 3, जर्नली पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा जो एन आई स्टेट है वो एनएथ है, मान लिया हम एनएथ ऑर्बिट के अंदर हैं, आना किस पे है
एन माइनस पी पे। एन माइनस पी मतलब एन जो फाइनल है वो कितना है, एन माइनस पी। पी का मतलब आपको कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट, यानी पी की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया मैंने एन एफ की जगह पे एन माइनस पी, एन आई की जगह पे एन, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी हम सोल्व करते हैं मैथमेटिकली हमने सोल्व कर लिया। अब हम क्या करें, अगर कंडीशन है लेकिन बोर्स जो कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में क्या कहता है, हायर ऑर्बिट्स के लिए बात कर रहे हैं, लोअर ऑर्बिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हायर ऑर्बिट्स में जो क्लासिकल जो रिजल्ट होता है फ्रीक्वेंसी का और जो क्वांटम मैकेनिकली जो रिजल्ट होता है वो दोनों क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन इन्वॉल्व की है हमने कि एन अगर आपका ग्रेटर देन पी है, ये जो हमने लिखा है इसका फिजिकली मतलब क्या है कि जिस स्टेट में आपको आना था आप उसे और मतलब बहुत ज़्यादा, सपोज कि स्टेट पे आना है बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी कि जो एन इनिशियल है आपकी बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये कंडीशन अगर अप्लाई कर देते हैं तो पी क्या है आपका, बहुत छोटा है। तो अगर ये कंडीशन है तो हम 2NP माइनस पी स्क्वायर को किसके बराबर ले सकते हैं, 2NP। क्यों, अगर पी छोटा है तो पी स्क्वायर क्या हो गया, और भी छोटा हो गया, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया हमने, ओके। तो इसको हमने मान लिया 2NP, और जो n माइनस पी है उसको किसके अप्रोक्स मान लिया, n स्क्वायर के, बिकॉज ऑफ द रीजन p इज वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ से रिजल्ट क्या बच गया आपके पास, यहाँ से n स्क्वायर है, इसके नाम का n रखेंगे अगर हम, तो आपका n की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ से आपके पास 2NP बचेगा, तो एक n से एक n कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, n स्क्वायर, और ऊपर कितना बच गया, 2p। तो फाइनली जब हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या आ गई, फोटोन फ्रीक्वेंसी, ये इसको बोलते हैं आप फोटोन फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो, क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली हमने दोनों रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए। ध्यान से अगर आप देखोगे इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, वैसे भी एच यहाँ पर रिजल्ट को सिमिलर दिखाने के लिए लिखा गया है, इवन सेम है, एच सेम है, 2 सेम है, एन की पावर 3 सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट है, पी डिफरेंट है। पी का मतलब क्या है, जस्ट लेवल्स हैं 1, 2, 3। तो अगर आप पी इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, तो रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो पी की वैल्यू 1 के लिए तो अप्रॉक्स ठीक है, वैसे अगर हम पी की वैल्यू 1, 2, 3 या मतलब नियरली क्लोजर पुट करेंगे तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दैट मीन्स कि डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो जो डिफरेंस है वो हो सकता है कि आपका 2 times या फिर 3 times ज़्यादा आए एक दूसरे से। लेकिन जब भी हम बात करेंगे हायर लेवल्स की या हायर ऑर्बिट्स की, तो उस टाइम पे ये जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल 0.01% रह जाएगा, और ये जो है वो हम क्या करते हैं, नेगलिजिबल लेके चलते हैं। दैट्स वाई जो बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल है वो आपका क्या कहता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट कर रहे हैं और हायर ऑर्बिट्स के लिए जो क्वांटम का रिजल्ट है और क्लासिकल का रिजल्ट है फ्रीक्वेंसी का वो सेम होता है। तो ये था आपका, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बोर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक स्टडी करेंगे वो आपका बोर से रिलेटेड नहीं होगा, वो आपका समर फेल्ड से रिलेटेड होगा, जहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आता है। वैसे तो बोल नहीं सकते कि यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, बट पॉसिबिलिटी तो होती है कि हर जगह से मतलब कुछ भी दे सकते हैं वो, तो हम हर टॉपिक को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि आपका ये लगा लें कि 100% तो नहीं, 99% आपका वहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा, थैंक यू।